बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं, आपको इतनी अच्छी डायग्राम नजर आ रही होगी, दैट इज बेसिकली द स्केलेटन। और हम स्केलेटन से पहले जो हमारा पिछला रहता है थोड़ा सा, उसको कंप्लीट करेंगे। ये मैंने डायग्राम इसलिए पहले बनाई है कि आपकी क्लास में जब आप लोग आएंगे तो फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ द स्केलेटन एंड वट इज दिस, पांच इंपॉर्टेंट तीन फंक्शन है। सबसे पहला हमें पता है कि हमारी बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रखने के लिए, भव्य मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे रखने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, और वो सपोर्ट हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम यानी स्केलेटन प्रोवाइड करता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। दूसरी इंपॉर्टेंट तीन चीज होती है जिसको हम कहते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन। और अगर आप मूवमेंट को अलहदा लिखें तो नहीं तो हम इसके साथ भी लिख लेते हैं। प्रोटेक्शन से मुराद क्या है, आप खुद सोचें कि हमारी बॉडी के कितने अहम तरीन ऑर्गन हैं, लाइक ब्रेन, लाइक हार्ट, लाइक लंग्स, लाइक इसी तरह मेनी ऑफ यूरिनरी ब्लड, दोज ऑर्गन्स दे आर डायरेक्टली कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स, पर्टिकुलरली द ब्रेन। आप देखें कि बोनी क्रेनियम है, फिर स्कल की हड्डियां हैं नीचे से, तो पूरा कवर है। इस तरह रिब केज के अंदर ये है, सही है ना, लंग्स और जो दिल है, हार्ट है, तो ये प्रोटेक्शन का लेवल है और ये हमें प्रोटेक्शन भी देता है। इसके अलावा मूवमेंट, आप मुझे एक बात बताए, अगर आपने कोई आप बट लाइक आप एक मसल है, मैं पूरा एक मसल हूं, तो मुझे कोई चीज मिलेगी नहीं तो मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट करके दूसरी चीज को मूव कराऊंगा। तो अगर मसल मूव करवाते हैं, मसल यानी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन मसल्स को जब तक अटैचमेंट ना मिले, अभी एक मसल यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, सही है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो इधर ही इकट्ठा हो जाएगा सारा, जब तक उसे एक सपोर्ट मिलेगी दूसरी चीज को पकड़ के वो खींचेगा। तो मसल अटैचमेंट जब तक नहीं होती तब तक मूवमेंट नहीं होती, तो मूवमेंट में बोन्स के साथ हमारे मसल अटैच होते हैं, इस वजह से जो है वो बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, सही है जी। उसके अलावा जो चौथा है, दैट इज द मिनरल्स होम्योस्टेसिस। अब मिनरल लाइक आप गौर करें तो दैट इज द कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोराइडाइंस, सिमिलरली सल्फर, मेनी अदर सब्सटेंसेस, थोड़ी मिकदार में कि ज्यादा मिकदार में, ज्यादा तो कैल्शियम फॉस्फेट यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस होती है, लेकिन ये हमारी हड्डियों के अंदर डिपॉजिट रही है। और वो आप सर कहें कि सर वो तो अपने आप को मजबूत करने के लिए हुई है, इनका उससे क्या लेना देना, तो वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब बॉडी में फर्ज किया, बॉडी में जब बच्चा पैदा होता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी बॉडी में बहुत सारी कैल्शियम लॉस हो जाती है ब्लड से, तो अचानक उसको कैल्शियम फिर कहां से मिलती है, बोन्स से। तो बोन्स प्रोवाइड दी, जब जरूरत पड़े तो वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, और जब एक्स्ट्रा हो तो वो मिनरल्स को स्टोर, तो मिनरल होम्योस्टेसिस में इनका रोल आ गया ना। एंड द लास्ट थिंग इज द पांच नंबर, दैट इज द ब्लड सेल प्रोडक्शन, ठीक है। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, बोन मैरो के अंदर दो तरह का बोन मैरो होता है, एक रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे बोन की स्ट्रक्चर में। तो जो रेड बोन मैरो है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं यानी अगर मैं सिर्फ रेड, क्योंकि इसकी बात में आएगी नहीं, येलो बोन मैरो की बात में एग्जांपल आएगी, तो रेड बोन मैरो में दो तरह के सीरीज होते हैं, एरिथ्रोइड सीरीज यानी आरबीसी जिनसे आगे बनेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ वो स्टेप है पूरा एरिथ्रोफाइसिस का, तो उनसे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, और जो दूसरी होती है दैट इज द मायलॉइड सीरीज, और उनसे फिर व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये हमें पता लग गया कि जो स्केलेटन के इंपॉर्टेंट तरीन फंक्शन है। सर अब बात करेंगे, सर हमारा स्केलेटन जो आप बार बार स्केलेटन स्केलेटन लगाया है, ये किस चीज का बना हुआ है, ये कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो बना किस चीज, साख कहते हैं स्ट्रक्चर, और एक होती है बनावट, फॉर्म कहते हैं बनावट को कि बना कैसा हुआ है, और स्ट्रक्चर कहते हैं साहब किस चीज का, ये लकड़ी है, ये कुर्सी ऐसी बनी हुई है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये लकड़ी की बनी हुई है और तो लोहा भी थोड़ा सा उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो हम पहले इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि बाद में हम उसकी उसके अंदर कौन सी हड्डियां हैं, तो क्या है, तो क्या है वो हम डिस्कस करें। तो याद रखें, मैं इस पर एक दफा मिनाइल लगाऊं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है इस टाइम पे। तो जो स्केलेटन है हमारे वाला, वो बेसिकली मैं आपको बोन पढ़ाऊंगा, दो चीजों का बना होता है स्केलेटन, द फर्स्ट थिंग इज द बोन यानी कनेक्टिव टिश्यू है, और दूसरे नंबर पर कार्टिलेज, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो समझ आ रही है ना, अच्छा, सो बोन इज द, हम कहेंगे सर दिस इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, मैंने एक चीज देखी थी,
क्योंकि हमारी स्पीड की वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो हम स्पीड नॉर्मल ही रखेंगे चाहे वीडियो जितनी मर्जी हो जाती, ठीक है। सो हार्डेस्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सही है जी। और अगर हम गौर करें एक हड्डी के ऊपर, तो इसके ये किस किस चीज की बनी हुई है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहले तो हम हड्डी की फॉर्म एक देख लेते हैं। फर्ज किया ये है जी एक बोन, और मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा बनाऊंगा अपने समझाने के लिए और समझने के लिए। तो फर्ज किया ये एक बोन है, और ये भी इतने अच्छा बोन, मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा। ये जो पार्ट है अभी फर्ज किया ये हड्डी मैच्योर नहीं हुई, बड़ी नहीं हुई, अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो इस हड्डी के अंदर आप ये जो एरियाज होंगे ये वाले, यहाँ पे होगी स्पंजी बोन, ठीक है। और वैसे वो यहाँ पे भी होती है, लेकिन अभी हड्डी ग्रो हो रही है, इधर को बढ़ रही है, जब ये अपनी पूरी लेंथ बढ़ा लेते हैं तो फिर ये एपिफिजियल प्लेट्स खत्म हो जाती हैं और ये बिल्कुल सीधी दिखती है। आमतौर पर अगर कोई बच्चा है इमैच्योर है तो उसकी हड्डियां आप एक्सरे में ऐसे लगेगा जैसे फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन होता नहीं है, वो और चीज है, ठीक है। हड्डी के इस पार्ट को जो अभी बन रहा है और जो चौड़ा है, किसको हम कहते हैं एपिफाइसिस, क्या कहते हैं, और जो ये वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस, सही है जी। और अब इसके दरमियान में एक खाली जगह, ये लॉन्ग बोन की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर बोन नहीं, मतलब जिस तरह हमारी वर्टेब्रल कॉलम की इरेगुलर हड्डियों की शेप्स भी होती है, ये आपने शायद पढ़ा होगा, कुछ हड्डियां लॉन्ग बोन्स होती हैं, कुछ हड्डियां शॉर्ट बोन्स होती हैं, कुछ फ्लैट बोन्स होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं। लॉन्ग बोन की एग्जांपल ये फीमर है, ये ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, ठीक है, जो होती है शॉर्ट बोन्स उनकी एग्जांपल ये है कार्पल्स मेटाकार्पल्स, ये वो फ्लैट बोन्स की एग्जांपल पसलियां है, ठीक है। और इसी तरह ये जो स्कैपुलास है ये है, और जो क्या कहते हैं इरेगुलर उसकी एग्जांपल है वर्टेब्रल कॉलम और ये जो मिडल ईयर ऑसिकल्स जो कान में होती है और खोपड़ी वगैरह की हड्डियां। तो ये आपको पता लग गया कि ये हड्डियों की मुख्तलिफ टाइप्स ही है, तो वैसे जनरली भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसके दरमियान में एक कैविटी होती है इस तरह खाली, इस तरह की, तो इसको हम कहते हैं द बोन मैरो कैविटी या मेड्यूलरी कैविटी, और इसको ठीक है ना, बोन मैरो कैविटी, और इसके अंदर होता है येलो बोन मैरो। मैंने आपको एक बोन मैरो पहले बताया, दैट इज द रेड बोन मैरो जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं, और दूसरा दैट इज द येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो बेसिकली एक फैट होती है और इसमें कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जो हम खाने में भी खाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको लग गया पता कि हड्डियां किस तरह की होती हैं, यानी एक जनरल सी स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई। अब मैं इस हड्डी का एक क्रॉस सेक्शन आपके सामने बनाऊंगा और उस क्रॉस सेक्शन को हम जरा डिटेल में पढ़ें। देखिए याद रखें, अब मैं सबसे बाहर वाली जो हड्डी होती है ना, ये वाला इतना हिस्सा, असल में याद रखें कि ये वाली जो जो एक स्पंजी बोन होती है और एक कॉम्पैक्ट बोन होती है, बोन के बाहर वाला जो हिस्सा होता है ना मजबूत सख्त किस्म का, दैट इज द कॉम्पैक्ट बोन, समझ आ गई। एंड दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यू, ये याद रखिएगा, हमने मैट्रिक में एक बार गलत पढ़ी थी, सही है। तो ये जो चीज है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन आपके सामने बनाऊं, तो हमें असल में मेड्यूलरी कैविटी बिल्कुल दरमियान में, यानी बोन मैरो कैविटी हमें दरमियान में कुछ इस तरह की दिखेगी, सही है। ये जो सबसे बाहर वाली हार्डेस्ट लेयर है, इसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, पेरिओस्टियम। उसके बाद यहां पे हमें कुछ इस तरह के गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, यानी ये वो एरिया है सारे का सारा जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। ये बेसिकली बच्चों मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शन काट के दिखा रहा हूं, यानी ये ऐसे काट के तो मैं देख रहा हूं कि ये इधर से कैसे दिख रहा है, समझ आ गई बात की। तो ये है जीफर, इनको मैं सारे के सारे नहीं बनाता, तो बस मैं कुछ बना दिए हैं तो इनफ है, ठीक है। वैसे ये कंप्लीटली इसको सराउंड करते हैं, तो इनको हम ऑस्टियोन कहते हैं, और इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ, ठीक है जी। और एक ऑस्टियोन को हम खोल के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी आपको, और मैं इसको भी थोड़ा सा आपके सामने एक बार थोड़ा सा चौड़ा बना देता हूं ताकि आप इसको समझें कि सिर्फ पढ़ने की खातिर हम इसको जरा इस तरह बना रहे हैं, ताकि इसके दरमियान में काफी जगह हो और हमें पता हो कि जनाब ये क्या है, सही है जी। अब देखें तो अगर आप ये एक ऑस्टियोन, असल में ये सारा एरिया यहाँ पे ये होती है, और इस एरिया में थोड़ी सी स्पंजी बोन भी होती है लाइक दिस, उसकी स्ट्रक्चर कुछ स्पेसिफिक नहीं होती, वो इस तरह आप समझ गए,
और ये मैटेरियल क्या है। ये बेसिकली मैंने एक इमेच्योर बोन बनाई है जो अभी फुली 100% मैच्योर नहीं हुई और उसमें अभी कैल्शिफिकेशन या ऑसिफिकेशन हड्डियों की मजबूती का अमल जारी है। ठीक है, अब एक ये जो मैं आपके सामने इसको एक को खोल के आपके सामने बयान करता हूं, तो इसका जो सबसे दर्दमंद लाइक दिस ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है सही है। तो अब देखिए गौर करें तो इसमें दरमियान में एक छोटी सी होती है खाली कैनाल, एक खाली जगह, एक नाली, पूरी नाली, यानी आप समझे। तो मैं इसको अगर मैं नीले रंग से बनाऊं इसको तो आपको जरा इधर एक्सप्लेन करने में, ये देखें ये है जी वो नालियां सारी, सही है। फर्ज किया ये एक नाली है, फर्ज किया और ये दूसरी है, इस तरह और भी बहुत सारी होती हैं, और समझ रहे ना बात को भाई। क्रॉस सेक्शन में तो ये दरमियान में गोल ही दिखेगी ना, ये इस तरह है सारे, ये भी एक यही वाली नाली है, ये भी ये भी ये भी ये भी, सही है ना दरमियान में, ठीक है। उसके बाद इनके गिर्द कुछ लेयर्स इस तरह की होती हैं और वो लेयर्स बेसिकली किस चीज की बनी होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं, असल में ये लेयर्स इस तरह की हैं कि इन लेयर्स के अंदर सेल्स होते हैं और उसके अलावा एक मैट्रिक्स, यानी ये देखिए ये एक खाली जगह है और इसके अंदर ये एक सेल पड़ा हुआ है हड्डी का सेल, ठीक है, जिसको हम बात करेंगे कि जनाब ये क्या है। और उसके अलावा इस तरह यहाँ पे इन खाली जगहों को लैक्यूना कहते हैं, ये कैविटीज होती है, खाली जगह से मुराद एक खाली डब्बा सा है, ठीक है। और ये देखें आप ये तरतीब से इनके अंदर इस तरह से फैले हुए होते हैं और इनको हम कहते हैं, यानी ये खाली जगह को कहेंगे लैक्यूना, एक से ज्यादा को लैक्यूनी, और इसको हम कहेंगे ये वाला जो सेल है दिस इज बेसिकली ऑस्टियोसाइट बोन के एक टाइप का सेल है, इसके बारे में हम डिस्कशन अभी करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमें पता लग गया कि एक हैवर्श यानी एक जो ऑस्टियोन होता है वो कैसा होता है, और इस तरह के बहुत सारे ऑस्टियोन ये वाले ये सारे के सारे इस तरह पड़े होते हैं। यदि आप समझे ये हर एक नीली नाली जो है ये बेसिकली एक ऑस्टियोन का दरमियान वाला हिस्सा है, समझ रहे ना आप बात को। और एक और बात याद रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये जो नालियां सर क्यों होती, मैं आपको यानी ये तो पता लग गया। अब ये सारा क्या है, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स किस चीज का बना हुआ है, मैट्रिक्स दो चीजों का बना हुआ, नंबर वन कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, और नंबर दो हम कहेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा और भी चीजें हैं लेकिन मेजरली ये दो मिनरल्स हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इधर देखिए इधर ना लिखिए, सही है जी। तो मैट्रिक्स आपको समझ आ गया और मैट्रिक्स किस चीज का बना, ये सब, और ये मैट्रिक्स खुद ऑस्टियोसाइट ने खुद प्रोड्यूस किया है, समझ आ गई ना बात, यानी ऑस्टियोसाइट्स यहाँ पे आते हैं वो रिलीज करते हैं मैट्रिक्स, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कैल्शियम भरती जाती है और वो मजबूत हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर हड्डियों से कैल्शियम आ रहा है फिर वहां जमा हो रहा है तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक मजबूत सख्त हड्डी के अंदर, यस यही केनाल है, यही वाली, इनको हम हेवर्शियन केनाल कहते हैं, क्या कहते हैं, हेवर्शियन केनाल। ये हेवर्शियन केनाल बेसिकली ऑस्टियोन का दरमियान वाला पार्ट होता है, मैंने इसको ब्लू बनाया, इधर भी इसको ब्लू बनाया, और इन हेवर्शियन केनाल्स के आपस में कनेक्शन होते हैं लेकिन वो सारे कनेक्शन सीधे नहीं होते, वो सारे कनेक्शन ऑब्लीक होते हैं, लाइक ये देखिए आप, सही है, समझ रहे हैं ना बात को, इनके आपस में कनेक्शन होते हैं अंदर, यानी एक आप समझे एक हड्डी है, ये सारी एक हड्डी है, उसके अंदर ये एक ऑस्टियोन चल रहा है, ये दूसरा चल रहा है, ये तीसरा चल रहा है, ये चौथा चल रहा है, ये पांचवा, ठीक है ना, और ये एक मैंने ऐसी हड्डी बनाई ऐसे हॉरिजॉन्टली, समझे, सही है ना, समझ रहे ना बात को, एक पूरा इस उसके अंदर छोटे छोटे पाइप्स है, यानी एक पूरी एक बिल्डिंग बनी हुई है, समझे ईंटों की बनी हुई है, और उसमें एक पाइप यहां से गुजर रहा है, उसके कुछ वो सेल्स है, इधर एक पाइप गुजर रहा है, उधर गुजर रहा है, इधर सारे उसमें पाइप्स डाले हुए, और फिर वो पाइप्स आपस में भी कनेक्टेड है अंदर, और वो आपस में ऐसे कनेक्टेड नहीं है, वो ऐसे टेढ़े टेढ़े कनेक्टेड है, ऑब्लीक, यानी मैंने ये जितने कनेक्शन इनके बनाए सारे ऑब्लीक बनाए, और ये जो ऑब्लीक कनेक्शन है इनको हम कहते हैं वॉक्समैन केनाल्स, क्या कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है सर आप ये हमें क्यों बता रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, ऑस्टियोन तो मैंने बताया एक यूनिट है। अगर आप समझे कि पूरी की पूरी हड्डी जो कॉम्पैक्ट बोन है, जो मजबूत हड्डी है, सख्त हड्डी है, हार्डेस्ट पार्ट है, वो बेसिकली ऑस्टियोन्स को रिपीट कर करके बने, को बड़ा को छोटा को, इस तरह समझ आ गई ना बात,
और दूसरी बात यह है कि सर ये बहुत ये हेवर्शियन कैनाल और वॉल्समैन कैनाल, हेवर्शियन कैनाल्स का फंक्शन होता है इनमें से खून की नाली आती है। एक को मैं बना देता हूँ ब्लैक जो आर्टरी है फर्ज किया, और दूसरी को मैं बना देता हूँ ब्लू दैट इज द वेन फर्ज किया। ये इनके अंदर से आर्टरी और वेन गुजरती है और वो सप्लाई देती है इन सारे सेल्स को, और इनके अंदर कोई चीज भरनी हो तो कोई चीज लेनी हो तो जो भी साधता वो सारा करना। और वॉक्समैन कैनाल का फंक्शन भी इनको आपस में कनेक्ट करना ही होता है बस और कुछ। तो आपको पता लगा कि हड्डियां किस तरह की होती हैं और हड्डी के अंदर, अब आखिरी बात यह है कि हड्डी के सेल्स भी सर बता ही दे। हाँ जी जो अच्छा ये है कॉम्पैक्ट बोन सही है, और ये है स्पंजी बोन। स्पंजी बोन भी हैवीली सप्लाइड विद द ब्लड होती है और यहां पे एक्चुअली बोन फॉर्मेशन या बोन कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। आहिस्ता 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 ये सारे भी जैसे ब्लड आता जाएगा ये सारे भी ऑस्टियोन बनते जाएंगे और ये काम खत्म हो जाएगा जब एक बोन अपना एक खास डायमीटर गेन कर लेगी। समझ आ गई बात की, और एक फिक्स हो जाएगी तो फिर इधर को भी बढ़ना बंद, ये भी बंद और ये भी। अच्छा इनके ऊपर आपको पता है हड्डियों के कवर के तौर पर कार्टिलेज भी होती है, पता है ना, जिसको हम कहते थे हायलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अब आते हैं बोन के सेल्स की बारे। तो तीन तरह के बोन के सेल्स होते हैं। नंबर वन आर ऑस्टियोब्लास्ट, नंबर दो आर दी ऑस्टियोसाइट्स, नंबर तीन आर दी ऑस्टियोब्लास्ट। और इंटरेस्टिंग गल ये है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ये बनते कहां से, स्टेम सेल से। ऑस्टियोब्लास्ट है स्टेम सेल्स वो है, यानी एक सिंपल एम्ब्रियो के सेल्स थे और वो ऑस्टियो स्टेम सेल्स हैं या ऑस्टियो जेनेटिक सेल्स हैं, यानी जिन आपको मैंने कहा था ना जब डिफरेंशिएशन होती है ना सारे सेल्स शुरू में कैसे होते हैं, बाद में कोई ये बन गया कोई वो बन गया कोई मसल बन गया कोई हड्डी बन गया। तो जो बोन जिन सेल्स ने बोन बनना होता है ना उन्हें हम ऑस्टियो स्टेम सेल्स या बोन के स्टेम सेल्स या ऑस्टियो जेनेटिक सेल्स जो भी आप कहना चाहें उनसे बनते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं इमैच्योर सेल्स ऑफ द बोन्स। लेकिन अभी आप इनको छोड़ें एक बार, इस पे आए इस पे। ऑस्टियोब्लास्ट ये ऐसे सेल्स होते हैं जितना आप इनकी डायग्राम में बनी हुई है वहीं से बना लेंगे। तो और इधर देखिए ना लिखे, ऑस्टियोब्लास्ट एक ऐसे सेल्स हैं जो क्या करते हैं, वो बोन को डिजॉल्व करते हैं, खाते हैं हड्डी को खाते हैं, कहीं पर रिपेयर करनी हो या कार्टिलेज को खाते हैं जब हड्डी बनानी हो, क्योंकि आप बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू में तो उसकी कार्टिलेज ही होती है ना, उसमें हड्डियां नहीं होती, फिर हड्डी इज कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय द बोन, सही है ना। तो आपको पता लग गया कि ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड बोन डिसॉल्विंग सेल्स एंड दे ईट द बोन्स एम्प्टी द स्पेस, उसकी जगह पे ऑस्टियो स्टेम सेल्स से निकल के ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट आके वहां सेटल हो जाते हैं। फिर ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, वो अपने अगर आप देखें तो वहां ऑस्टियोब्लास्ट की एक सीधी सी शक्ल बनी हुई है, मैं बनाना नहीं चाहता ये देखें, तो फिर ये अपने गिर्द बोनी मटेरियल निकालना शुरू कर देता है, सही है ना। बोनी मटेरियल से मुराद ये यही मैट्रिक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो वो फिर अपने गिर्द एक वावा सारा बोनी मटीरियल जमा कर लेता है और फिर वो बोनी मटीरियल हार्ड होता है वो भी उसके अंदर बैठा रहता है और उसको फूट छूट मिलती रहती है। समझ आ गई, यानी ऑस्टियोब्लास्ट जब अपने गिर्द बोनी मटेरियल जमा कर लेता है तो उसको ऑस्टियोसाइट यानी मैच्योर बोन सेल कहते हैं। और आपको तीनों चीजें पता लग गई, मैच्योर बोन सेल होता है ऑस्टियोब्लास्ट से बना होता है और इसका काम होता है बोन की असल फॉर्मेशन को मेंटेन रखना और वो बड़े अहसन तरीके से। समझ आ गई थी बात की, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बोन। हम साथ में कार्टिलेज पढ़ लेते हैं फिर हम एक्सोस्केलेटन में चल जाएंगे, तो कार्टिलेज इधर पढ़ के फिर उसको बाद में मिटा देंगे, ठीक है। सो दैट इज द कार्टिलेज क्या है, अगर मैं आपको बताऊं दिस इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, इट्स नॉट द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, एक बात याद रखें इसके सेल्स को कहते हैं कोंड्रोसाइट्स, क्या कहते हैं कोंड्रोसाइट्स भी फर्ज किया, ये है एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर यानी बहुत सारे कोलेजन के सेल्स हैं, मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स में बहुत सारे कोलेजन के सेल्स कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ
क्या कहते हैं उसको, उसमें कुछ ऐसे खाली जगह होती है और उनके अंदर कार्टिलेज के सेल्स होते हैं। कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इस तरह ग्रुपों की शक्ल में होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज, एंड दे आर दे प्रोड्यूस द मैट्रिक्स। और कार्टिलेज को नो ब्लड बोन इज हैवीली सप्लाइड विद द ब्लड। आप देखें किसी बंदे की वेन ना मिल रही हो या उसका उसको या तो पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड, अगर आपने उसको इमरजेंसी को फ्लूड देना है, ब्लड देना है, या तो पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड नहीं डालते, बोन में अगर उसको ब्लड लगा दें तो बोन में लग जाते हैं। सही है, बकायदा सुराख करके उसमें भी लगा देते हैं और वो काम चल जाता है। सही है, तो बोन इज हैवीली सप्लाइड विद द ब्लड बट इट हैज नो ब्लड सप्लाई। सही है, और ये तीन तरह की किताबें, दो तरह की लिखी है, तीन तरह की होती है। नंबर वन हायलाइन कार्टिलेज, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, सबसे हार्ड होती है फाइब्रस कार्टिलेज, ये उससे थोड़ी सी कम होती है, कोई इलास्टिक नहीं होती। इट इज प्रेजेंट ऑन ज्वाइनिंग एंड्स ऑफ द बोन, एक हड्डी है दूसरी हड्डी है, इसके ऊपर भी एक कवर होगा, इसके ऊपर भी एक कवर होगा हायलाइन कार्टिलेज का, ताकि वो आपस में जब मूव करे तो वो रगड़ के उनको डैमेज ना हो। They take the food and substances from the matrix, but that is not directly supplied with the blood. Indirect, जो हम कहते हैं, food मिल सकती है, ठीक है जी। तो रहेगी बात के ये दूसरी इलास्टिक कार्टिलेज होती है ये यहाँ पे, फिर पिन्ना में कान के बाहर वाली साइड पे, और फिर हायलाइन कार्टिलेज ट्रेकिया के रिंग्स में भी होती है, लेरेंक्स भी इसका बना होता है, वोकल कॉर्ड्स भी इलास्टिक, वोकल कॉर्ड और एपिग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज का होता है, और ट्रेकिया और ज्वाइनिंग एंड्स ऑफ द बोन और लेरेंक्स के बाहर वाली जो कार्टिलेजेस है वो सारी हायलाइन होती है, और फाइब्रस कार्टिलेज बड़ी सख्त होती है, वो इंटरवल, एक किताब में इतनी बातें लिखी नहीं हुई लेकिन सीधी सीधी जो लिखी है वर्ल्ड है, इंटरवल डिस्प्ले भी होती है। इतना काफी है, फिर हम स्केलेटन को अगले लेक्चर में करते हैं।